नमस्कार दोस्तों, आज सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबने पूरी दुनिया में इंजीनियरिंग के तरह तरह के अजूबों के बारे में सुना होगा और देखा भी होगा। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे अजूबे के बारे में बताने जा रहा हूँ कि जो पूरी दुनिया में सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज है। जी हाँ दोस्तों, यह ब्रिज पेरिस के एलफिल टावर से भी 35 मीटर ऊँचा है। दोस्तों, आप सबको बहुत गर्व होगा ये जानकर कि यह ब्रिज और कहीं नहीं बल्कि भारत में है। जी हाँ दोस्तों, भारत के जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के ऊपर ये ब्रिज बनाया जा रहा है, जिस कारण इस पुल का नाम चिनाब ब्रिज है। दोस्तों, यह पुल उत्तर रेलवे और कोंकण रेलवे के संरक्षण में एफकॉन कंपनी द्वारा बनाया जा रहा है। यह पुल पूरी तरह से केवल भारतीय इंजीनियरों द्वारा ही बनाया जा रहा है। यह पुल उधमपुर और बारापुला रेल लिंक योजना का एक हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट के द्वारा पूरे भारत को श्रीनगर से जोड़ा जाएगा। दोस्तों, यह पुल जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों कोरी और बकोल को जोड़ेगा। इस पुल को चेनाब नदी पर 359 मीटर ऊंचाई पर बनाया जा रहा है। यह पुल चारों तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ है, जहां 100 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा चलती है। दोस्तों, इस पुल को इस तरह बनाया गया है ताकि यह पुल 260 किलोमीटर प्रति घंटे से चलने वाली हवा को भी मुकाबला कर सके। साथ ही रिक्टर स्केल पर 8 की तीव्रता वाले भूकंप का भी सामना कर सके। इस पुल पर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन दौड़ सकती है। इस पुल में 18 पिलर हैं, जिसमें स्टील के सबसे ऊंचा पिलर 130 मीटर तथा कंक्रीट का सबसे ऊंचा पिलर 49.343 मीटर ऊंचा है। इस पुल को बनाने के लिए 27,000 टन स्टील और 5,000 टन सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है। इस पुल को 28,000 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस पुल को बनाने वाली कंपनी एफकॉन ने इस पुल के टिकने की 100 साल की गारंटी दी है। दोस्तों, इस पुल को बनाने की शुरुआत 2004 में हुई थी और 2009 तक इस पुल को बनाने का लक्ष्य था, परंतु सुरक्षा कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट को बराबर बढ़ाया गया। दोस्तों, आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।